दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद तीखा रिएक्शन दिया है। बनारसी कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत के दौरान ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी जिक्र किया। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम एक मस्जिद खो चुकी है, अब दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते। बनारसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया है। ओवैसी के मुताबिक इस सर्वे को तुरंत रुकवाया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1951 के एक्ट को नहीं मानेंगे? मुस्लिम नेता बोले कि वह मुगलों के नहीं बल्कि संविधान के पैरोकार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बनारसी कोर्ट के फैसले आने के बाद अपना रिएक्शन देते हुए कहा, और जब उनसे पूछा गया कि इस फैसले को वह कैसे देखते हैं, तो उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने पार्लियामेंट में बने प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के खिलाफ यह निर्णय दिया है। इस फैसले के खिलाफ तुरंत मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस सर्वे को रुकवाने की कोशिश करना चाहिए। जब ओवैसी से पूछा गया इस फैसले को वह कैसे देखते हैं, तो उनका विस्तार में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के संसद में 1991 में इस बात पर भी फैसला लिया गया था। इसमें कहा गया था कि सच यह रहेगा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन्हें उनके नेचर और कैरेक्टर को कतई डिस्टर्ब नहीं किया जाए, यानी ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इस सच को हमें मानना पड़ेगा। महिला याचिकाकर्ताओं ने माता श्रृंगार गौरी की पूजा के सवाल पर ओवैसी बोलते हैं जो सच है वो सच है, 1991 के एक्ट में जो कहा गया है उसे सभी को मानना पड़ेगा। मथुरा और आगरा का जिक्र करते हुए वह बोले कि वहां भी यह बात लागू होती है, इस एक्ट के आधार पर फैसला आना चाहिए। यह अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि यह मेरी आस्था का सवाल है, मेरे पास लोकसभा के 300 MP हैं, राज्यसभा की मेरी मेजोरिटी है, मैं 1991 एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो ये अलग बात है। उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जब तक ये एक्ट है तब तक ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और रहेगी, इसमें किसी भी तरह की बहस की जरूरत नहीं है। वह एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते। बाबरी मस्जिद के संदर्भ में भी यही भरोसा दिलाया गया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे शहीद कर दिया गया। अब वो किसी तरह की बातों में कतई नहीं आएंगे। दोस्तों आपको ये जरूर कहना चाहेंगे, अगर वीडियोग्राफी हो रही है मस्जिद क्यों, तो वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी होती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो ये लगातार राजनीतिक नेता लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होंगी और ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसे ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।